छल्ली गोमती नदी का सीना। जी हाँ, अमेठी जनपद के बाजार शुकुल क्षेत्र के जैनबगंज नया का पूर्वा कस्बे में शाम ढलते ही अवैध खनन माफिया सक्रिय हो जाते हैं। पूरी रात ट्रैक्टर डंपर में भरकर मिट्टी बालू का अवैध खनन कर रहे लोगों पर प्रशासन द्वारा कार्यवाही नहीं करने से उनके हौसले बुलंद हैं। नदी सहित खातेदारी जमीन से जेसीबी मशीनों से अवैध खनन पर डंपरों में ओवरलोड परिवहन किया जा रहा है, लेकिन खनिज विभाग पुलिस प्रशासन द्वारा ध्यान होते हुए भी कार्यवाही नहीं करने से उनके हौसले बुलंद हैं। अमेठी में सफेद बालू का खनन भी जारी है। जी हाँ, बाजार शुकुल के कई ग्राम सभाओं में सफेद बालू का नदी के किनारे से अवैध खनन खनन माफिया द्वारा किया जा रहा है, जिनका नाम उरैरमऊ, पाली, किसनी, नांदी, मखदुमपुरपुरा, ललिहामऊ, दूधाधारी, तिवारी का पुलवा, गोड़वा आदि जगहों पर खनन माफिया भारी मात्रा में खनन कर परिवहन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कई सालों से अवैध खनन कर रहे हैं, लेकिन विभाग द्वारा अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हो पाई है। अवैध खनन कर रहे मोटी रकम वसूलते हैं खनन माफिया। जी हाँ, क्षेत्र में सफेद बालू खनन का अवैध खनन कर अवैध खनन माफिया द्वारा लोगों से मोटी रकम वसूलते हैं। बालू से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के लगभग 1500 से 2000 रुपए तक वसूलते हैं। वहीं मिट्टी से भरी ट्रॉली के 800 से 1500 रुपए लोगों से वसूलते हैं। डंपर में भरी बालू के दामों में तो 25 से 30 हजार रुपए तक वसूलते हैं। लगातार हो रहे अवैध खनन से राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान हो रहा है। देखें अमेठी से विश्वनाथ भदौरिया की जहरी।